समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू हो इसके लिए भारतीय सद्भावना मंच पूरे देश में व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। राजधानी भोपाल में भारतीय सद्भावना मंच की मैंने लॉ कमिश्नरी को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा यूएससी को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को डेंगू बताने पर साध्वी कल्पना अरुंधति ने कहा कि जिसने सनातन धर्म को छेड़ा कोई नहीं बचा, फिर चाहे रावण हो या कंस। किस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं? हम लोग यूसीसी के समर्थन में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक देश तो एक कानून होना चाहिए। अदालत में खड़े होकर के हमको ये नहीं कहना कि आप किस मजहब से हैं, किस कौम से हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और ये कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। हम भारतीय हैं तो हमें भारतीयता के हिसाब से हमारा न्याय होना चाहिए। ये यूसीसी का समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यूसीसी संविधान में भी है कि इसे लागू होना चाहिए, पर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ है? अगर लागू नहीं होगा तो तब तक हम बटे रहेंगे, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। अगर एक नियम लागू हो जाता है तो फिर से हमारे हृदय में एक वसुदेव कुटुंबकम का भाव प्रकट हो जाएगा और हम सब लोग एक होकर के एक राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। भारत का दूसरा नाम सनातन ही है। सनातन सत्य शाश्वत, नर से नारायण तक की यात्रा की खोज सनातन है। जो सत्य में जीता है और उसको गहराई तक निरंतर खोज में रहता है, अनंत तक रहता है, उसको हम सत्य सनातन कहते हैं। और खुद में खुदा जागृत करने का नाम सनातन होता है। पूरे विश्व को सनातन ने ही ज्ञान दिया है और गहराई में खोज करके हमें गिनती दी है, विज्ञान दिया है, आयुर्वेद दिया है, संगीत दिया है, ये सनातन की ही देन है। पूरे विश्व में हमें परिचय कराने की जरूरत नहीं है कि राम के प्रति कितनी आस्था है, कृष्ण के प्रति कितनी आस्था है। वो गीता सनातन ही तो है जो पूरे विश्व में आज गीता जा रही है, इस्कॉन के माध्यम से जा रही हो। चाणक्य हमारे सनातन ही तो है। और जब जिसने सनातन को छेड़ा है वो रावण भी नहीं बचा है, कंस भी नहीं बचा है, जो भी विधर्मी देश में आए हैं वो नहीं बचा है। और जिनको लगता है कि सनातन डेंगू है, बीमार है, तो वो हमारी सनातन की भूमि से चले जाएं, जहां डेंगू नहीं है वहां जाके रहें। अगर ऐसा स्टालिन नहीं करेंगे तो भारतीय सद्भावना मंच के कार्यकर्ता गली गली उतरेंगे और उस डेंगू से बचाने के लिए स्टालिन को हम सनातन भूमि से बाहर निकालेंगे। हम लोग इंदौर जा रहे हैं, वहां भी पत्रकार वार्ता करेंगे, उज्जैन में करेंगे, देवास में करेंगे, पूरे भारत में यूसीसी के समर्थन में और स्टालिन के विरोध में हम लोग उतरे हैं। ये हजार हजार साल पुरानी धर्म है सनातन धर्म, अब क्या विडंबना है कि अब हम लोग सनातन धर्म पे हमला करने लगे, इसके खिलाफ ही बोलने लगे? देखिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही, उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। सनातन के विरोध में बोलने का मतलब तो यही है कि वो हमारे मोदी सनातन को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी निकालेंगे जो सनातन के कट्टर में खड़े होके हम भारत में फूटन प्रकट करें, पर ऐसा संभव नहीं है। G20 ने पूरे विश्व को झुका दिया, ये है सनातन, नहीं तो ये सनातन ही तो है। हम गंगा को भी गंगा माँ कहते हैं, वृक्षों की भी हम पूजा करते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा है, हम लोग नतमस्तक हो जाते, वो सनातन ही तो है। जो जैनी परंपरा से 24 तीर्थंकर निकले हैं, वो गुरु नानक सनातन ही तो है। जो एक नूर में सब जग उपजा, ये सनातन की तो ही खोज है। जो हम गाय को रोटी देते तो कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, चींटी को भी चोगा चढ़ाते हैं, ज्योति जला के हम विश्व कल्याण की बात करते हैं और प्राणियों में सद्भावना हो फिर विश्व कल्याण की बात करते हैं। सनातन को कौन काट सकता, कौन छेड़ सकता है, वो ही स्वतः निपट जाता है। लोगों पे कोई नकेल कसने के लिए क्या व्यवस्था कर, आगे तैयारी चल रही है। नकेल तो कसेंगे ही क्योंकि उन्होंने ऐसा छेड़ा है कि वो अपने आप ही, उन्होंने जो अग्नि में हाथ डाला तो स्वयं ही स्वाहा होंगे। हमारा भारत का हिस्सा है इसलिए वो भारत में ही रहेगा और अखंड भारत की भी तैयारी है क्योंकि मांग वहां से उठ चुकी है
और ये हमारे हमें मोदी जी से उम्मीद भी है, हमें सनातनी प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि ये अखंड भारत जल्दी ही बनेगा और यूसीसी भी लागू होगा। हिंदुस्तान में तमाम